जनवरी जब शुरू हुआ था रियलमी की तरफ से एक लिस्ट निकाला गया था जहां पर रियलमी ने बोला था उनके सभी डिवाइसेस में कुछ ना कुछ अपडेट आएगा। अभी आप में से ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं, किसी किसी को अपडेट मिला है, किसी किसी को नहीं मिला। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मेरे बारे में मैं बोलता हूँ, मेरे पास है रियलमी 2 प्रो जहां पर अभी तक जनवरी में कोई भी अपडेट नहीं आया, मतलब जो जो अपडेट आने वाला था। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो बनाया था, आई बटन में चेकआउट करके देख सकते हैं कि मैंने वहां पर क्या क्या डिवाइस और कौन से अपडेट के बारे में बोला है। चलिए बात करते हैं मुद्दे के बारे में, अगर आपको अपडेट नहीं मिला आप कैसे अपडेट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पर रियलमी के जितने भी लेटेस्ट डिवाइसेस है लाइक रियलमी U1, रियलमी C1, Realme 2 Pro और Realme 2, ये सभी डिवाइसेस में आपका लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। अभी अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग अपडेट्स हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जहां पर Realme U1 है यहां पर जो अपडेट आया है वो आपका आया है एडेड फिंगरप्रिंट शूटिंग फॉर कैमरा, ये आपको मिल जाएगा। न्यू कैमरा वाटरमार्क आपको मिल जाएगा। इम्प्रूव कैमरा क्वालिटी ऑफ सिस्टम वो आपको मिल जाएगा। एडेड रिबूट फंक्शन वो आपको मिल जाएगा। ऑप्टोमाइज रिमाइंडर वन डेवलपर ऑप्शन, ये वाला भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जनवरी 2019 का, ये सब अपडेट आपको मिल जाएगा U1 में। अभी बात करते हैं C1 में एग्जैक्टली आपको क्या क्या मिलेगा। C1 में आपको मिलेगा न्यू कैमरा UI, उसके साथ साथ न्यू मटेरियल डिजाइन आइकॉन, ये आपको मिल जाएगा, मतलब कैमरा का जो वाटरमार्क UI है वो आपको मिलेगा। और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जनवरी 2005 तक आपको मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं रियलमी 2 प्रो, यहां पर आपको वही न्यू कैमरा वाटरमार्क आपको मिल जाएगा, उसके साथ साथ सिक्योरिटी पैच 2019 5 जनवरी तक आपको मिल जाएगा। और फाइनली अगर रियलमी 2 देखा जाए यहां पर आपको मिलेगा वही न्यू वाटरमार्क, उसके साथ साथ न्यू मटेरियल डिजाइन जो हम लोग U1 में देखने को मिला था, उसके साथ साथ सिक्योरिटी एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच आपका जनवरी 5 2019 तक अपडेट मिल जाएगा। ये सभी चीज आपको अपडेट मिल जाएगा। अभी आप सोच रहे हैं कि आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला, जैसे मैंने बताया मुझे भी अपडेट नहीं मिला, तो आप टेंशन मत कीजिए, आप डायरेक्टली अभी अगर चाहे तो मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है मैनुअल अपडेट और ऑफिशियल अपडेट में, मतलब OTA अपडेट में, दोनों ही आपका सेम होता है। लेकिन जब OTA अपडेट आता है तब हो सकता है वो अपडेट का साइज 130-140 MB के आसपास होता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर Realme 2 Pro का अपडेट देखा जाए 130 MB के आसपास है, लेकिन अगर आप इसको मैनुअली डाउनलोड करके करते हैं तब ये होगा लगभग 2.34 या 2.35 GB के आसपास, मतलब ये काफी बड़ा मतलब साइज में आता है। तो उसमें आप टेंशन मत लो, ये सब ऑफिशियल अपडेट है, आप आराम से इसको कर सकते हो। अभी आपके पास जो भी फोन है सबसे पहले आप जाके एक बार चेकआउट कर लो कि एग्जैक्टली आपका वर्जन क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल U1 का जो अगर वर्जन जैसे आप देख पा रहे हो लास्ट में 0.5 है, अगर आपके पास यही वर्जन है तब आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं, आपके पास लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद अगर C1 देखा जाए, अगर आपके पास लास्ट में जैसे 8.23 अगर ये वाला वर्जन है तब आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, तब भी आप उसको अपडेट करो। Realme 2 Pro के लिए अगर लास्ट में आपका 8.15 है तब आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं, जैसे मेरे पास है 8.13 तो मुझे अपडेट करने का जरूरत है। और फाइनली अगर Realme 2 देखा जाए, अगर आपके पास जो वर्जन है 8.23 है तब आपको अपडेट करने का जरूरत नहीं, अगर नहीं है तब भी आप इसको अपडेट करो। मैंने एक नीचे लिंक दे दिया जो Realme का ऑफिशियल डाउनलोड लिंक है, जहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये काफी बड़ा साइज होगा, तो अगर आपके पास वैसे ही अनलिमिटेड डेटा है तभी आप इसको डाउनलोड करो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। खाली यही नहीं, वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बताया गया है कि एग्जैक्टली कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं मैंने अपना Realme 2 Pro कैसे अपडेट किया था, कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले आपको नीचे जो लिंक है उसमें क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो ऐसे आपका एक वेबसाइट खुल जाएगा जो Realme का ऑफिशियल वेबसाइट है। मेरे पास है Realme 2 Pro, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो यहां पर जो वर्जन है विच इज 11A.15। अभी अगर मैं अपना वर्जन चेक करता हूँ तब मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट लेट मी गो टू द सेटिंग्स, उसके बाद मैं जाता हूँ आपका सॉफ्टवेयर अपडेट, और जैसे आप देख पा रहे हो मेरा है 8.13, तो मुझे अपडेट करने का ज़रूरत है, तो मुझे करना पड़ेगा अपडेट। उसके बाद जो अपडेट लॉक है, जैसे आप देख पा रहे हो ये आपका अपडेट लॉक, तो हर एक फ़ोन का अलग अलग अपडेट लॉक आप देख पाएंगे। डाउनलोड का जब ऑप्शन करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो 2.36 GB का आपका डाउनलोड है, मतलब काफ़ी बड़ा फाइल है जिसको आप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली आपको कैसे इसको अपडेट करना है। मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर आपको हाउ टू अपडेट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको एडिशनल सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे आपको इसको अपडेट करना है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ उसको भी देख के आप इसको कर सकते हैं। मैंने फाइल डाउनलोड करने के बाद ये बेसिकली क्या होता है, डाउनलोड होने के बाद जनरली जो डाउनलोड फोल्डर है वहाँ पर ही रहता है। जैसे आप देख पा रहे हो डाउनलोड फोल्डर के अंदर मेरा ये वाला फाइल है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने डिवाइस को पहले शट डाउन करना पड़ेगा, तो मैं प्रेस एंड होल्ड करके इसको पहले शट डाउन करता हूँ।
तो जैसे अभी ये अभी वाइब्रेशन आ गया, तो ये वाला फ़ोन आपका शट डाउन हो गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन मुझे प्रेस एंड होल्ड करके रखना है जब तक ये ऑन नहीं हो जाता। मुझे वाइब्रेशन एक बटन मिला है तो मैं प्रेस एंड होल्ड करके रखूँगा जब तक ये ऑन नहीं हो जाता। जैसे ही आपका ऑन हो गया, यहाँ पर जैसे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो मैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज, तो मैं यहाँ पर करता हूँ। उसके बाद मैं अपना पैटर्न दे देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो फ्रॉम फोन स्टोरेज, तो मैं फ़ोन स्टोरेज में चला गया। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो मेरा फ़ोन स्टोरेज आ गया, मुझे जाना पड़ेगा डाउनलोड में। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ये अपडेट को मुझे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे इंस्टॉलेशन पैकेज ओके, और अभी जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला आपका अपडेट हो रहा है। तो लगभग 2 मिनट का एस्टिमेटेड टाइम है, मैं करके आपको दिखाता हूँ। सो जैसा आप देख पा रहे हो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर रीबूट करने के लिए बोला जा रहा था, मैं कर देता हूँ उसको रीबूट। और अभी जैसे आप देख पा रहे हो मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो आपका हो गया है अपडेट। तो मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ पर शायद आपका अपडेट लॉग दिखाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो न्यू कैमरा वाटरमार्क और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच का जो है वो आपका लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। तो यही बेसिकली डिफरेंस है, जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस टाइप का आपका कुछ कैमरा वाटरमार्क अभी लगेगा जो नया वाला है। सो जैसे आपने देखा आप इस प्रकार से अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं realme.com, जहां पर ये सभी चीज के बारे में काफी विस्तारित रूप से लिखा गया है। और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ जानकारी लेना है, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं कोशिश करूंगा मेरे तरफ से आंसर देना। उसके साथ साथ आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जो है आपका instagram.dado15। तो इस वीडियो में अभी तक इतना है। दिस इयर होस्ट मी साइन अप फ्रॉम dado, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।